एक गांव में शारदा अनामिका सास बहू रहा करती थी। अनामिका के पति उस गांव में खेती बाड़ी करके अपना परिवार चलाया करता था। अनामिका के दो बच्चे थे, बेटी चांदनी और बेटा विनय। घर में ही वो उछल कूद करके खेला करते थे और पूरा घर खुशियों से भर देते थे। शारदा भी बच्चों के साथ खूब मजे से खेलती थी। क्योंकि वो बहुत ही गरीब परिवार थे, इसीलिए उनके सामने एक दिन समस्याएं आ खड़ी हुई। तभी एक दिन अनामिका अपनी सासू माँ से कहती है, सासू माँ, आप बच्चों के साथ इस तरह उछल कूद कर रही है, इस उम्र में कोई ऐसा करता है क्या? कोई देखेगा तो क्या कहेगा? तुम छोड़ो, मैं अपने पोते पोती के साथ क्यों ना खेलूं भला? तुम बताओ, मैं दूसरों की बातें सुनूं, यही काम रह गया। उनका घर लौटने का टाइम हो गया है, अगर आप बच्चों के साथ ऐसे खेलेंगे और वो आकर आपसे कुछ कह देंगे तो आपको बुरा लगेगा। जब शारदा और अनामिका बातें कर ही रहे थे, तभी रमेश वहाँ आ जाता है। वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था, वो घर आते ही जाके छुप जाता है। अनामिका, माँ, तुम लोग ध्यान से सुनो, रविंद्र मेरे पीछे पीछे आ रहा है। मैंने कर्ज क्यों नहीं लौटाया, इसलिए वो आए तो कह देना कि मैं घर पे नहीं हूँ, ठीक है ना? समझ गए? हाँ ठीक है, तुम जाओ। तब तक रविंद्र वहाँ आ जाता है। रविंद्र बड़े गुस्से में था। रमेश, रमेश, कहाँ तुम? मेरे पैसे दिए बिना तुम कितने दिनों तक ऐसे छिपते फिरोगे? पहले घर से बाहर आओ। अरे सुनो, यहाँ मेरा बेटा घर पे नहीं है, तुम इस तरह से क्यों चिल्ला रहे हो घर के बाहर खड़े होके? हाँ हाँ, मैं तो गलती कर रहा हूँ, आपके बेटे ने मेरे से उधार लिया है और वो उधार चुका नहीं रहा है। 3 महीने हो गए उधार दिए, उसने मुझे कहा था जैसी फसल पकेगी वो सूद समेत पूरे ब्याज के पैसे वापस कर देगा। पैसे लेने के लिए मेरे पैरों पे गिर गया था और अब मुझे देखकर भाग रहा है। सुनिए, मेरे पति ने कोई गलती नहीं की है, उनके बारे में कुछ भी कहेंगे तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। आप मेरे घर पे आकर इस तरह चिल्ला रहे हैं, ये देखकर बच्चे डर रहे हैं, बच्चों के सामने ऐसा कर रहे हैं, आप इंसान हैं? नहीं नहीं, मैं तो जानवर हूँ। जब तक तुम्हारे पति को पैसे नहीं दिए थे तब तक मैं इंसान ही था, अब मैं जानवर हो गया हूँ। नहीं नहीं, मेरा बेटा अभी घर पे नहीं है, आप जाइए, मेरा बेटा आपके पास आएगा। शारदा के कहने पर रविंद्र बहुत गुस्से में आ जाता है और वहाँ से चला जाता है। जाते समय वो शारदा को चेतावनी देकर जाता है, अगर वो 1 हफ्ते में पैसे नहीं लौटाया तो ये घर अपने कब्जे में कर लेगा, ऐसा उसने चेतावनी दी। रविंद्र की ऐसी बातें सुन के रमेश, अनामिका, शारदा तीनों रोने लगे। क्योंकि बच्चे वहाँ खेल रहे थे, इसीलिए बड़ों ने उनके सामने अपने आंसुओं को छुपा लिया। अरे विनय, जाके अपना खेलो, बड़ों के सामने क्यों खड़े हो? बच्चे जाओ, जाके खेलो। नहीं, हमें यही खेलना है। अरे तुम लोग बात नहीं सुनोगे, देखो मैं क्या करती हूँ, पिटाई लगाऊ तुम लोगों की? हाँ, आप ही तो कहती है अच्छी जगह देखकर तुम लोग खेलो, अब हम अच्छी जगह देखकर खेल रहे हैं तो आप कह रही है कि यहाँ से चले जाओ, आप यही चाहती है ना कि हम खुशी खुशी खेलें? ऐ कैसी बातें कर रहे हो, जाओ जाओ यहाँ से। सासू माँ, वो छोटा होके फिर भी अच्छी बातें तो कर रहा है, आज से हमें कुछ काम करना होगा, नहीं तो पूरे परिवार को दिक्कत हो जाएगी, बच्चों को बहुत परेशानी होगी, सबकी भलाई के लिए हमें कुछ ना कुछ काम करना होगा। ऐसे वक्त में तुम क्या काम करोगी अनामिका, तुम बाहर जाके काम करो, ये मैं नहीं चाहता। फिर बहू बाहर जाके कैसे काम करेगी? वो बात नहीं है माँ, असल में अनामिका को मैं काम के लिए बाहर जाओ ये मैं नहीं कह सकता, बस समझने की कोशिश करो। फिर क्या करे? उसे घर में रहकर ही कुछ काम करने को कहो। घर पे रह के क्या काम करेगी, अब तुम ही वो बता दो। सासू माँ, क्या करना है मैं समझ गई हूँ, मैं नाश्ता बेचा करूंगी, घर के सामने एक पेड़ है ना, वहीं पे इडली बना के बेचूंगी, इस तरह का व्यापार हमेशा अच्छा ही चलता है सासू माँ। बहुत अच्छा फैसला लिया है बेटा, काम में मैं तुम्हें मदद करूंगी। नहीं सासू माँ, बस आप बच्चों का ख्याल रखिए, कभी कभी आप मदद कर दीजिएगा बस। इस तरह अनामिका अगले दिन से ही इडली बेचना शुरू कर देती है। पहले दिन अनामिका के पास इडली खाने कोई भी ग्राहक नहीं आते हैं। इस बात से अनामिका निराश नहीं होती है, अगले दिन फिर वो इडली बना के बेचने लगती है। दूसरे दिन भी कोई ग्राहक नहीं आया, तभी वहाँ पे एक भिखारी आता है। माँ, भिक्षा दे दो माँ, 2 दिन हो गए मैंने कुछ खाया नहीं, बहुत भूख लगी है, इडली दे दो माँ, मेरा पेट भर जाएगा,
तुम्हारे परिवार को बहुत आशीर्वाद मिलेगा। हम यहाँ परेशान हो रहे हैं कि हमें ग्राहक नहीं मिल रहे हैं और तुम यहाँ चिल्ला रहे हो, जाओ यहाँ से जाओ। माँ जी, मुझे बहुत भूख लगी है। ओह, जाने को कहा ना, क्यों तुम परेशान कर रहे हो? रुकिए माँ, वैसे भी बहुत देर हो गई, कोई ग्राहक नहीं आया खाने के लिए, कम से कम यही खा के अपना पेट तो भर ले। ऐसा कह के अनामिका उस भिखारी को इडली खाने के लिए देती है। अनामिका के दिए इडली खा के भिखारी अपना भूख मिटाता है। भिखारी की भूख मिटने के बाद वो अनामिका को एक इडली का बर्तन देता है। अनामिका वो बर्तन ले लेती है। फिर अनामिका उस इडली बनाने के बर्तन में इडली बनाने लगती है। दूसरे तरफ वो भिखारी लोगों के घर घर जाके अनामिका के इडली सेंटर के बारे में सभी को बताता है। अनामिका के टिफिन सेंटर में इडली बहुत स्वादिष्ट होने के कारण इडली खाने के लिए लोगों की भीड़ अनामिका के दुकान में बढ़ने लगती है, जिस वजह से अनामिका का व्यापार बहुत चलने लगता है। इधर ग्राहकों की भीड़ बढ़ती है, उधर भिखारी के दिए हुए उस इडली के बर्तन में इडली खुद ब खुद बनने लगते हैं। तब जाके शारदा और अनामिका को एहसास होता है कि भिखारी का दिया हुआ वो इडली का बर्तन एक मायावी इडली का बर्तन है। देख लिया सासू माँ, हमारी मदद कभी विफल नहीं होती। अगर हम किसी को मदद करते हैं तो ईश्वर भी खुद सामने आके हमें मदद करके जाते हैं। हाँ अनामिका, सही कहा, मैंने तो उसे जाने के लिए कह दिया था, पर तुम आके उस भिखारी को इडली खिला के अच्छा की, तभी आज ये दिन देखने को मिला। इस तरह शारदा और अनामिका भिखारी के दिए हुए वो इडली के पात्र से बहुत अच्छे पैसे कमाने लगते हैं। फिर वो अपने सारे उधार चुका देते हैं, साथ ही साथ बच्चों का भी अच्छे से ख्याल रखते हैं और खुशी खुशी जीवन बिताने लगते हैं। एक गांव में शारदा और अनामिका सास बहु रहा करती थी। वो दोनों एक दूसरे से मिलजुल के दोस्त के तरह रहा करते थे, पर शारदा का जुबान अनामिका के लिए कभी न कभी फिसल ही जाते थे। पर अनामिका को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो हंसी मजाक में ले लेती थी। शारदा का बेटा रमेश घर पे ज्यादा नहीं रहता था, काम के सिलसिले से वो अक्सर पड़ोस के गांव में जाया करता था और शाम को जब लौटता था तो जेब में पैसे लेके लौट आता था। सास बहू उन पैसों को देखकर खुद को बहुत धनी समझती थी और बहुत खुश होती थी। इसी तरह चल रहा था उनके घर में, तभी एक दिन शारदा कहती है, अरे मुझे अदरक वाली कॉफी चाहिए, बना के लाओ तो। अभी थोड़ी देर में कच्चा सीरियल आने वाला है, उसके बाद मैं आपको बना दूंगी सासू माँ। हमारे घर में तो टीवी नहीं है, दिन में जगह जगह सपने देख रही हो क्या? टीवी रहेगा तभी देख सकते हैं क्या, हम तो पड़ोस के घर में भी जाके टीवी देख ही सकते हैं। मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती, कॉफी बना के मेरे मुँह पे ला के फेंक दो बस। अगर आपके मुँह पे फेंकूंगी तो मुँह चल जाएगा आपका। तो दिन पे दिन तुम एक बहुत बड़ी कोड़िया होते जा रही हो, कोड़िया का पूरा खानदान होते जा रही हो तुम। तुमसे एक कॉफी मांगो तो भी सर दर्द होता है। बात हो गया सासू माँ, इतनी तारीफ मत कीजिए, शर्म आती है मुझे, मेरे पति ने भी आज तक इतनी तारीफ मेरी नहीं की। अनामिका की ऐसी बातें सुन के शारदा सर ठोक के वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो दो कप कॉफी बना के वहाँ पे ले आती है। एक कप वो खुद लेती है और दूसरा कप वो अनामिका को देती है। अनामिका कप लेके खिड़की के पास खड़ी हो जाती है। ठीक उसी वक्त उनके सामने वाले घर की सास बहू छोटा छोटी करके लड़ाई कर रही थी। उन्हें देखकर अनामिका हंसने लगती है। अरे अरे, ये क्या कर रही हो तुम, वो उधर लड़ रहे हैं और तुम उन्हें देखकर सीरियल की तरह मजे ले रही हो। ऐसे ही सीरियल तो देखते हैं हम सासू माँ, क्या सीन है, आप ही देखिए ना कितना अच्छा है, हर दिन इस वक्त अच्छे अच्छे सीन देखने को मिलते हैं, कितने मजेदार है। हाय बाप रे, तुम्हें शत शत नमन। शारदा और अनामिका जब ऐसे बात ही कर रहे थे, रमेश भागते हुए घर आता है। वो जल्दी से भाग के आता है और चोरों के तरह छुप जाता है। रमेश को ऐसे देखकर शारदा और अनामिका आश्चर्य हो जाती है। अजी क्या हुआ, आप चोरों के तरह क्यों छुप रहे हैं? अरे बेटा, तुम इतने डरे हुए क्यों हो, क्या हो गया तुम्हें? माँ, मैं एक घर गया था काम करने के लिए, वहाँ पौधों पर मैंने पानी डाला, उसके बाद उस घर में सारे कमरों को साफ किया, और फिर मैं जब घर लौटने वाला था तो वहाँ की एक बुजुर्ग महिला कहने लगी कि मैं उस घर का सारा सोना पैसा चोरी कर लिया हूँ। उस घर के मालिक रविंद्र वहाँ नहीं थे,
वो जब पुलिस को फोन की तो मैं भागते भागते घर आ गया माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे बाप रे, अब क्या होगा? इस तरह भाग के आना आपकी बहुत बड़ी गलती है। अब पुलिस आपके पीछे पीछे आएगी। अगर आपने चोरी नहीं भी की है तो आप पे ही इल्जाम लगाया जाएगा। अब क्या होगा अनामिका, कोई रास्ता है इससे निकलने का? अरे पहले से ये इतना डरा हुआ है और तुम इसे और डरा रही हो, ये ठीक नहीं है। तब तक उस घर में एसआई शंकर और उस घर के मालिक रविंद्र वहाँ आते हैं। दोनों ही गुस्से में थे और गुस्से में चिल्लाकर पूछने लगते हैं। अरे रमेश, तुम खुद ब खुद सरेंडर करते हो या मैं पीट पीट के तुमसे सच उगलवाऊं? कृपया आप मेरे पति को ना मारे, उनकी कोई गलती नहीं है, हमारी चोरी करने की आदत ही नहीं है। देखो बेटा, मैंने सुना है कि रमेश अच्छा लड़का है, इसीलिए हम लेने आए हैं। उसे बाहर निकलने बोलो, हम बैठ के बात करके समझौता कर लेंगे। उनकी ऐसी बातें सुनके रमेश बाहर निकल आता है और वो रोते रोते कहने लगता है, मालिक मैंने कोई चोरी नहीं की है, मुझ पर विश्वास कीजिए, मुझे मत मारिए। चुप रहो कुत्ते, मुझे लगा तुम वफादार होगे, पर तुमने अपना रंग दिखा दिया, तुम जैसे लोगों को तो भुगत नहीं पड़ेगा। मालिक मैंने चोरी नहीं की, मुझ पर भरोसा कीजिए। फिर तुम भाग कर क्यों आए, इसका मतलब है कि तुमने जरूर चोरी की है। मालकिन ने इस तरह से कहा तो मैं बहुत डर गया, मैं डर के मारे भागते हुए घर आ गया, ये मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। ठीक है, पुलिस स्टेशन चलो। शंकर की ऐसी बातें सुनके रमेश भागना चाहता था, पर शंकर जोरों से पकड़ रखा था, हथकड़ी पहना के उसे जल्दी से पुलिस स्टेशन ले गया। अनामिका शारदा रमेश को इस तरह पुलिस स्टेशन ले जाते देख बहुत चिंतित हो गई। देखिए, अगर आपको बुरा भी लगता है तो इसमें हमारे हाथ में कुछ नहीं है करने का, जल्दी से जाके एक लॉयर से मिलिए, नहीं तो इसे सजा हो सकती है, देखिए क्या किया जा सकता है। ठीक है इंस्पेक्टर साहब। अनामिका एक लॉयर के पास जाकर उसे सारी बातें बताती है। लॉयर बताते हैं इसमें काफी खर्च आएंगे। फिर दोनों सास बहू घर लौट आती है। घर में सारा राशन पानी खत्म था, बस कुछ मैगी के पैकेट घर में बचे हुए थे, वो दोनों मैगी बना के खाते हैं। अब क्या होगा, बेटे को बाहर निकालने के लिए हमें पैसे चाहिए, कहाँ से आएगा? मैं भी वही सोच रही हूँ सासुमा, अगर हम किसी से उधार भी मांगने जाए तो वैसा उधार देने वाला कोई नहीं। वो विनय है ना, वो उधार दे सकता है, हाल ही में वो बड़ा सा तालाब नीलामी में उसी को मिला है, उसकी बड़ी बड़ी मछलियाँ बेच कर उसने बहुत पैसे भी कमाए हैं, उन्हीं पैसों से उसने बड़ा सा बंगलो बनाया है, एक बड़ी सी गाड़ी खरीदी है, हम जाके उधार के लिए उसे पूछ सकते हैं। नहीं सासुमा, हम मछलियाँ पाल सकते हैं, किसी को बिना बताए और मछलियाँ बेच के जो पैसे आएंगे उससे हम आपके बेटे को छुड़ा ले आएंगे। ठीक है बेटा। अनामिका फिर रात में मछलियाँ पकड़ने जाती है, पर एक भी मछलियाँ उसके हाथ नहीं लगते, जिससे वो बहुत दुखी हो जाती है। इस तरह कुछ दिन कोशिश के बाद वो एक दिन घर आती है। हमने बहुत कोशिश की, बाकी सब ईश्वर की इच्छा, ये लो मैंने मैगी बनाया है, यही आखिरी मैगी है, खा लो इसे बेटा, कुछ दिनों से यही जीने का सहारा है, सोचो मत, पहले खा लो। शारदा की ऐसी बातें सुन के अनामिका के दिमाग में एक तरकीब आती है। जल्दी से वो मैगी के पैकेट लेके लेक में चली जाती है और उन मैगी से वो मछलियाँ पकड़ने की कोशिश करती है। बड़ी बड़ी मछलियाँ उसके हाथ लग जाते हैं, वो उन मछलियों को लेकर शहर जाती है बेचने के लिए। उन पैसों को वो जाके लॉयर को देती है, लॉयर रमेश का केस लड़ता है और रमेश निर्दोष घोषित होता है। असल चोर तो उस घर के मालिक रविंद्र की पत्नी थी। इस बात से रविंद्र बहुत दुखी होकर कहता है, देखो रमेश, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ जो मैंने किया, तुम्हें मैंने बहुत चोट पहुँचाई, मेरी गलती की वजह से मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, ये पैसे रख लो। रमेश पैसे लेकर, मुझे अच्छा लगा, कहता है। पैसे लेके वो खुशी खुशी घर पहुँचता है। बहू ने जो कुछ किया वो शारदा अपने बेटे को बताती है। रमेश के आंखें भर आए, वो अपनी पत्नी का हाथ पकड़ के बच्चों की तरह रोने लगता है। तुम अगर ना होती अनामिका तो मैं कभी बाहर नहीं निकल पाता। रोइए मत जी, सब अच्छे के लिए होता है। अब हमें काम करने की जरूरत नहीं है, रविंद्र जी ने जो पैसे दिए हैं उससे हम व्यापार शुरू कर सकते हैं, फिर हम तीनों अच्छे से उन पैसों से जी सकते हैं अनामिका। रमेश की ये बात सुन के सास बहू दोनों ही बहुत खुश होती हैं।